मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मेरी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है, मेरी लड़ाई मजहबी गलबे की लड़ाई नहीं है। मैं हिंदुस्तान में खुदा ना खास्ता अपने मजहब को लागू नहीं करना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान में तमाम मजाहिब को उनका हक देखना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान में जो जमहूरियत में जो हमको दस्तूरी कॉन्स्टिट्यूशनल वादे हमसे किए गए, मैं उन वादों को हासिल करना चाहता हूं। मेरी जिंदगी की लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई उन लोगों से है, उन ताकतवर लोगों से है, उन इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से है। पार्टियां बदल जाती हैं मगर चेहरे वही रहते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं मगर वही दिमाग, शैतानी दिमाग रहता है जो इख्तदार की कुर्सियों पर बैठकर राज करता है। आज हमारी लड़ाई यही है कि ये लोग सिर्फ कुर्सी टेबल पर बैठकर हमारे मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। आज हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब टेबल के सामने एक और कुर्सी बैठेगी रखेगी और उस कुर्सी पर ओवैसी बैठेगा, तुम्हारी तरह पैर पे पैर डालकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मजलूम आवाम के हक की आवाज को उठाएगा। ये हमारी लड़ाई है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जो इख्तदार की कुर्सियों पर बरसों पर बैठे हैं उनको तकलीफ होती है कि ये कौन है जो बरसों पुराना स्टेटस को चेंज करने के लिए आया है। यकीनन हम स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम स्टेटस को चेंज करेंगे, तब्दीली लाएंगे। यही तो हमारी लड़ाई है कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए।